खाने को। यार वेब वाली दुकान देना यहाँ पे। अच्छा चलो फिर चलते जाओ। परेशान अंकल सानू घर छड्या परेशान। वाह जी वाह नाइस क्लोज मैन बट नॉट ऑब्वियसली खाटी खाटी इज खाटी खाड़ी चले खाड़ी तो टाउन में है ना। अनिया मैं तो गले पा दे फुल शॉल कौन से वाले डालूं ऐसे वेव कर रही है इनसे पूछ लो पूछ लेना किधर वेप है। ये इधर की रहने वाली होंगी ना इनको पता होगा ना दुकान का तो उसी से पूछना था ये कितनी प्यारी शॉल है so pretty। ये कितने की है भैया कितने की है सिर्फ 15 पाउंड। वापसी पे आती मेरे हस्बैंड आ गए भाग गए इसी खुशी में अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने कहा मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दूं कि हम कहाँ हैं। हम बर्मिंघम के एशियन आलम रॉक रोड पे पाकिस्तानी बाज़ार में हैं जहाँ पे हर तरह की पाकिस्तानी चीज़ें इंडिया से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यहाँ हर दुकान एशियन है पाकिस्तानी है इंडियन है और ख़ूबसूरत ख़ूबसूरत चीज़ें आपको यहाँ नज़र आएंगी मिलने। हिजाब वाली दुकान है लहंगे वाली दुकान है आई डोंट नो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो यहाँ पर हमें फील नहीं होता कि हम पाकिस्तान में नहीं रहते ना। तो चले यहाँ पे बस मैं ये आपको बता रही थी कि ये एशियन बाज़ार है तो आगे फिर नेचुरल रखते हैं। मुझे कौन लेके जाएगा मुझे नुकसान ही होगा जो लेके जाएगा अपना ही नुकसान करेगा मुझे लेके जाके ए बड़ी दुकान आ गई है क्या संडे मिल जाएगी छोटे वाले। अच्छा बड़े वाले मिले कमाल हो गया अंडे से अंडा मैं मुझे भी लाना अंडे के साथ अंडे का फंडा अंडे आगे अंडे का फंडा अंडे का फंडा ये वाला अंडा कौन से वाला अंडा द बिग टक है दैट वन या दिस वन इज नाइस लेट मी सी हाउ मेनी इन देयर उयो दैट्स अ 30 पैक मैन दैट्स गुड। छोटे वाले बहुत ज्यादा छोटे तो नहीं है मैंने तो दिए नहीं है चलो सच्ची में कहती आई नो वो तो मुझे मुझे क्या पता घंटा मतलब बड़े वाले ले लो एक ही प्राइस के हैं ये भी 499 ये 499 मुझे बता दो कौन सा लेना बड़ा ज्यादा जो है ज्यादा जो है तो दी वन नो दोस वन द मोर गॉड सेक ये 20 दीस आर 30 ये अच्छे होंगे ना ये बड़े ये बड़ी मुर्गी ने दिए होंगे लुक द सेम टू मी किधर है लाइफ बॉय कौन सा वाला होता है दिस वन दिस इज कॉल्ड लाइफ बॉय सी लाइफ बॉय आई टोल्ड यू वाले पीएस ग्रीन नहीं पड़ेगा है ना
हम इसमें ग्रीन यूज करते हैं इस वाले में। ये उई देखो इन्होंने कितने ज्यादा बेमान चार है इसमें दो। दिस फोर पैक दिस अ फोर पैक दैट्स व्हाई। मुझे बेगम ने आज अंडों की ड्यूटी तो लगा दी है। हम नहीं मिलते हैं ना हमारे अंदर, क्या करूं जब भी जाओ खत्म हो जाते हैं। पता ये छोटे ही ना हो ना, पता नहीं दो पैक ले लेते हैं। ले लो वही से ये अच्छी नहीं मिल रही है, जो चीज नहीं मिल रही अभी यहाँ मिल रही है ना। मैं तो जब भी जाती हूँ नहीं मिलता मुझे। मैं सुबह भी उस दिन गई थी, छह वाले ही पड़े होते हैं। तो बिस्किट्स वगैरह लाइक करती हो? नहीं यार, कुछ तो ले लो यार। और तुमने कुछ खाने के लिए दी नहीं है, सेहत किस तरह पड़ेगी? छोटे ने ना, हाँ छोटे का फिर अभी की करना, अभी तो खाने तो बड़े मुर्गी दे देने, बड़ी मुर्गी दे आ देने, छोटी मुर्गी हाँ जी। तो आपने देखा हम कैसे शॉपिंग करते हैं, और फिर हुरम आगे भागे क्योंकि यहाँ पे हम फिर बाहर निकल आए थे शॉप से, और कपड़ों की दुकानें ज़्यादातर यहाँ पे, एंड ही नोज दैट मैं टेम्पटेड हो जाती हूँ। ये मुझे ड्रेस बहुत पसंद आया था, ये वेलवेट का इतना प्यारा था, मुझे कहते हैं कि ये कौन पहनेगा। मैंने कहा मैं पहनूँगी ऑब्वियसली, और कौन पहनेगा, तुम इतना कह के ना फिर चल पड़े। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है, नहीं लेके दो फिर खैर है कोई बात नहीं। तो ये देखें जी, बड़ा मज़े का ये ना रोड है। यहाँ पे सारे लोग भी ना पाकिस्तान से ही आए हुए हैं, ज़्यादातर आज़ाद कश्मीर के लोग हैं, मीरपुर साइड के, और हर तरह के आपको पाकिस्तानी मिठाइयाँ खाने, आपको पाकिस्तानी इंडियन लिबास, ये देखें लहंगे, शादियों का सामान, और प्रॉपर आपको यहाँ पे ना ये प्रॉपर देसी बाज़ार है, और यहाँ मज़ा आता है आपको। रात को तो ज़्यादा रौनक होती है, ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ जी, तो उस दिन सर्दी भी काफ़ी थी लेकिन हम चल रहे थे। ये पूरी रोड जो है, आई थिंक ये कोई आई डोंट नो हाउ लॉन्ग इट इज़, पर कोई आधे घंटे की वॉक है बेसिकली। तो ये ना पूरी रोड जो है, पूरी इस रोड पे अपने पाकिस्तानी इंडियन शॉप्स हैं, एंड हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाएंगी यहाँ पे। और जब भी हमने पाकिस्तानी शॉप, हमारे एरिया में भी ऐसी ही हैं, इसी तरह की ही हैं दुकानें, पर इधर जो है ना ज़्यादा वैरायटी है, और इधर जो चीज़ें मिलती हैं ये ज़्यादा सस्ती होती हैं। हमारे उधर थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हैं, थोड़ा सा ही प्राइस डिफरेंस होता है लेकिन होता है। हाँ जी, तो कोई भी आपने देसी शॉपिंग करनी है तो आप ये है जी आलम रॉक रोड हमारे गोविंद का। अच्छा जी, यहाँ पे हम आ गए हैं चाय वाला के पास, और चाय वाला में हम चाय पीने आए हैं। इनकी कश्मीरी टी बहुत ही अच्छी होती है, तो वो मुझे बहुत पसंद है, तो फिर मैंने वो ली है, फिर हमने भी वही ली है। तो चलें आप आके देखें फिर। कैसी लगी है ये चाय? ये सिपली है, हाँ जी, तो वो था चाय वाला। चाय वाला की बहुत ज़्यादा ब्रांचें आ गई हैं, और यहाँ पे चाय मिलती है आपको हर तरह की, सैफ्रन टी, पिंक टी, ग्रीन टी, ब्लैक टी, वाइट टी, हर टी मिल जाती है आपको। देसी चाय इनकी सबसे ज़्यादा फेमस होती है, जिसे कहते हैं कड़क चाय, लेकिन वो मुझे नहीं इतनी पसंद, तो मैं यहाँ से पिंक टी लेती होती हूँ। हाँ जी, तो बस आज का व्लॉग यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।